गुजरात की तरह ही हरियाणा में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान चल रहा है। इसके तहत लोगों को उनके वाहनों में ही एंटी कोविड इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पंचकुला में प्रशासन की टीमें ड्राइव थ्रू के जरिए आने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देते हुए देखी गई। वहीं दूसरी ओर मुंबई के गोवंडी में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। हरियाणा के पंचकुला में वैक्सीनेशन के हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर विपिन परमार। कोविड को हराना है तो टीका जरूरी है और इसी को लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पंचकुला में आज से ड्राइव थ्रूज की शुरुआत जो है वो की गई है और यहाँ पर गाड़ियों में ही यानी कि ड्राइव थ्रू के माध्यम से ही लोग रजिस्ट्रेशन कराकर जो है वो अपना टीकाकरण जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है। गुप्ता साहब, क्या इनिशिएटिव लिया गया है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो कवर की जा रही है? पंचकुला के देखते हुए हमने यहाँ पर एक ड्राइव थ्रू कि आप आइए, गाड़ी के अंदर आइए, आपकी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपको टीका लगेगा और उसके पश्चात आप गाड़ी में बैठ करके ही आधा घंटा विश्राम कीजिए। हमारी टीम वहाँ पर उनकी देखरेख के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये मुहिम जो है वो शुरू की गई है पंचकुला में और गाड़ियों के अंदर ही, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी जो है वो लोग टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पीछे हालात ऐसे थे कि वैक्सीनेशन जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में ये देख सकते हैं आप हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी ओर से ये जो एक सेटअप किया गया है जहाँ पर जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है सुबह से अभी तक अगर बात करें, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं लोग आकर यहाँ पर टीका लगवा चुके हैं और एक लंबी कतार जो है वो बाहर देखी जा सकती है तकरीबन कई किलोमीटर्स की। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग वैक्सीनेशन जिस तरह से ज़रूरी है, टीकाकरण की इस प्रक्रिया को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुहिम उसकी शुरुआत की गई है। और ऐसे में टीकाकरण की प्रक्रिया के बाद जो है ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, एक इन गेट है और एक एग्जिट गेट है। इन गेट से एंट्रीज हैं और एग्जिट गेट से जो है वो गाड़ी बाहर जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक कतारबद्ध तरीके से ये तमाम गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं और बाहर जो है जहां से एंट्री है वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग जो है वो टीकाकरण के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में जिनको टीका लग रहा है वो आधा घंटा यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करके जो है हेल्थ वर्कर्स की टीम आप देख सकते हैं यहां पर घूमती हुई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है कि आधे घंटे तक मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। तो ऐसे में ये परेड ग्राउंड है सेक्टर 5 पंचकुला का और इसके बिल्कुल चारों तरफ अगर बात करें तो एक कतारबद्ध तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि ये प्रशासन की ओर से पहल की गई है ड्राइव थ्रू की और इसी तरह से यहां पर टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो गाड़ियों में ही बैठकर अपना टीकाकरण जो है वो करा रहे हैं। इस जगह को इसलिए चिन्हित किया गया है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, क्योंकि खुली जगह चाहिए होती है, तो ऐसे में इन और एग्जिट गेट्स तमाम समीकरण बिठाने के बाद जो है इस जगह को चुना गया है और ये प्रक्रिया जो है वो आने वाले दिनों में बादस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि टीकाकरण को लेकर 18 प्लस कैटेगरी जो है वो काफ़ी उत्सुक थी लेकिन टीका जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण टीका नहीं लग पा रहा था। ऐसे में ये ड्राइव थ्रू शुरुआत उसकी की गई है और पहले दिन ही इसका रिस्पॉन्स जो है वो भारी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़ पंचकुला। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कर रहे 150 सेंटर बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक वैक्सीन की कमी के चलते ऐसा करना पड़ा है। वैक्सीन की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित नागर। दिल्ली में 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कुछ जगहों पर बंद किए गए हैं। 150 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है वैक्सीन की कमी के चलते। ये पंडारा रोड पर आप नवयुग स्कूल की तस्वीर देख रहे हैं जिसे वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था और तमाम इंतजाम यहाँ वैक्सीन से जुड़े हुए किए गए थे। अभी भी आप देखेंगे तो फोर्स के साथ स्टाफ के लोग भी आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। वजह ये कि कल तक यहाँ वैक्सीन लग रही थी लेकिन अब वैक्सीन की कमी है, क्योंकि दिल्ली में 18 प्लस के लोगों के लिए कल शाम तक मात्र 60,000 के आसपास वैक्सीन की डोज बची थी और इसी का असर अब दिखने लगा है कि स्कूलों को जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया था उन्हें बंद करना पड़ रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये मुद्दा उठाया था कि उसे वैक्सीन नहीं मिल रही है,
कोवैक्सीन पिछले काफी दिनों से 18 प्लस के लोगों को नहीं लग पा रही थी। कुछ लोग लगातार सेंटर पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि कोरोना से लड़ने के लिए उन्हें वैक्सीन मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप यहां आई बहुत उम्मीद जाहिर तौर पर, क्योंकि इस समय कोरोना से लड़ने का यही हथियार नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद वैक्सीनेशन मिली नहीं हमें, खत्म हो गया, अभी कब आएगा ये पता नहीं है कुछ। अच्छा, आप लगातार खबरें देख रही हैं, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, कंपनियों को वो लेटर लिख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अभी वैक्सीन की कब तक डोज आएगी ये क्लियर नहीं है, कोवैक्सीन तो आई नहीं रही है काफी दिनों से। तो ये तस्वीर आपको परेशान भी करती है क्या कि जिस जो सबसे बड़ा हथियार जिसे सरकार खुद मान रही है अगर वो युवाओं तक नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सर, जब वैक्सीनेशन मिलेगी नहीं, लोगों को इंजेक्शन लगेंगे नहीं तो बीमारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यही वजह है, वैक्सीन होनी चाहिए, लोग बाहर भेज रहे हैं, ये पहले इंडिया में होनी चाहिए अपने, बाहर जाएगी तो पहले बाहर वाला ठीक होगा, अपने बाहर वाला ठीक होगा, उसको ठीक करना चाहिए पहले, और उसके लिए सरकार को देखना चाहिए क्या कहेगी सरकार। वहीं जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है, कोरोना के ताजा हालातों पर जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांजाल। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जम्मू जिले के दूरदराज के गांव खोड़ में पहुंची है और मेरे पीछे जो आप पुलिसकर्मियों की तैनाती है उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये भी एक ऐसा ही गांव है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। आपको बताऊं लगभग 45 घर इस गांव में हैं और इस गांव में 45 जो घर हैं उनमें से 52 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ समय पहले यहां पर एक मौत भी हुई थी जिसके बाद ये सामने आया और प्रशासन ने यहां पर टेस्टिंग कैंप्स लगाए। मगर आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खोड़ जो तहसील पड़ते हैं इसमें अगर बात करें तो कोविड की जो सेकेंड वेव शुरू हुई उसके बाद से यहां पर कुछ ही समय में लगभग 14 मौतें जो हैं इसमें हो चुकी हैं और आपको बता दूं कि सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं परेशानी है। मगर 14 मौतों के साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 20 से 25 मौतें ऐसी हैं जिनको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया, लोग हॉस्पिटल्स में जा नहीं रहे जिसके कारण प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा चुनौती बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के जो तहसीलदार हैं वो हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा खास पहले इस इलाके के बारे में, लोग निकल नहीं रहे हैं, कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए बन जाती? ये हर जगह है, गांव में लोग बहुत कम निकलते हैं टेस्टिंग के लिए, यहाँ भी वैसे ही था और जब हमारे नोटिस में आया कि यहाँ कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो हाँ यहाँ हमने 14 को एक इसी मंथ की 14 को हमने एक कैंप रखा और कैंप में 124 लोगों के टेस्ट हुए जिसमें 28 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये श्योर हो गया, ये पक्का हो गया कि यहाँ जो है कोविड के काफ़ी सारे मरीज और भी हो सकते हैं और इसको उसके बाद कंटेनमेंट जोन करना लाजमी था और वो डी साहब के ऑर्डर से ये कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। तो उसके बाद जो भी मूवमेंट है वो क्रटेल की गई है लोगों की बाहर, बाकी दवाइयाँ वगैरह जो किट वगैरह हैं इनको हेल्थ किट वो प्रोवाइड किए गए हैं सबको, सभी लोग हेल्दी हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई बीमार है ज़्यादा। तो उसके बाद भी हमने सेकंड टेस्टिंग की है आफ्टर 6 डेज, जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके ट्रेस करके सभी के टेस्टिंग किया है, उसमें भी 60 लोगों के जो टेस्ट हुए उसमें से ये 12 लोग फिर पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिला के यहाँ 52 लोग पॉजिटिव हैं, लोग रिकवर भी कर रहे हैं, 3 लोग रिकवर कर चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन सबको हिदायत दी गई है कि वो घर में रहें, अभी फिलहाल बाहर मूव ना करें। सर एक चीज़ और देखी जा रही है कि लोग बाहर नहीं रहे, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपके खोड़ जो इलाका है इसमें 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है और उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, वजह क्या है, डर क्यों लग रहे हैं लोग? ये ऐसा है कि कुछ वृद्ध लोग हैं जो जिनको शायद कोविड की वजह से ही मरे होंगे, ऐसी वो हो सकता है उनकी कोविड की वजह से डेथ हुई हो, लेकिन जो 80 या 85 साल का एक बुजुर्ग होता है उसको बाहर निकालने में लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं कि इस टाइम वैसे ही कोविड फैला हुआ है तो इस टाइम अगर हम मूव करते हैं तो हो सकता है इन्हें कोविड हो जाएगा, तो वैसे लोग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो वैसे लोगों की मृत्यु हुई है, 4 से 5 लोगों की मृत्यु वैसे हुई है जो 80 से ऊपर एज के थे, तो वो उनके टेस्ट भी नहीं हुए हैं ऐसे लोगों के। कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग आएं कम से कम, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं आते, जब अस्पताल आते हैं तब लेट हो चुके होते हैं।
नहीं, हमारी पूरी कोशिश है, सरपंचेस और पंचेस को हर जगह इन्वॉल्व किया हमने, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, बीडीसी चेयरमैन दोनों काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, तो हर जगह हमने यहाँ जहाँ लोगों से हमें पता चल रहा है या रोज डेली रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस एरिया में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं तो हम वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, तो टेस्टिंग हो रही है। तो इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं आम लोगों को ये समझना होगा कि पॉजिटिव आने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 98% यानी 98% लोग जो हैं वो इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 1.5 से 2% ऐसे लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं। आपको समझना होगा, देरी ना हो, समय पे हॉस्पिटल जाइए, टेस्टिंग करवाइए, अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। यही एक मंत्र है इस कोविड से लड़ने का, इससे बचने का। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, खोड। मुंबई के सायन अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही की जा रही है। सायन अस्पताल से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी बहन एडमिट थी, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और क्या गड़बड़ी हुई था, बताएं। मेरी बहन को मैंने बीकेसी में एडमिट किया था, तूफान आने के कारण उनको शिफ्ट किया गया सायन हॉस्पिटल। सायन बीकेसी तक तो मामला सही था, लेकिन जैसे सायन हॉस्पिटल लेके गए हम लोग एम्बुलेंस से, उसी टाइम से वहाँ का जो बिहेवियर था, जो वहाँ के लोग जो क्रियाकलाप कर रहे थे, जैसे कि यहाँ से ले जाने के बाद उनको वेंटिलेटर भी थी, लेकिन उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। और ऐसा वो 2 घंटे तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया उनको देखने के लिए, कि मतलब वैसे पड़े थे बिना दवा के। जबकि तो उसके बाद वो जो एडमिट किया तो उनको वहाँ पर इलाज चालू किया, तो उन्होंने बोला मैंने उनको रेमडेसिविर दे दिया, तो रेमडेसिविर तो बीकेसी में ऑलरेडी 5 डोज दे चुके थे, दोबारा रेमडेसिविर देने की जरूरत क्या लगी। और उसके बाद जब मैंने देखा कि इनका सीटी स्कैन कराया गया है, तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब मेरा भांजा जो मेरे बहन का लड़का है वो डॉक्टर है, देखा तो उनके रिकॉर्ड में सीटी स्कैन का कोई केवल पेपर में लिखा था सीटी स्कैन किया है, और रिकॉर्ड में कुछ नहीं था, मतलब डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि ऐसा किया गया है। उनसे पूछा गया तो बोले हम लोग ने किया है, तो किया है तो उसका रिपोर्ट किधर है, तो रिपोर्ट भी नहीं दिया, और ना तो रिपोर्ट देखने को दिया ना तो उनको, और जो दवा भी दे रहे बोले हमने महंगी महंगी दवाएं दे रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं केवल, और वो दवा उनको दिया पेशेंट को दिया नहीं जा रहा है। कई पेशेंट ऐसे ही अच्छे पेशेंट वहाँ पर जिंदगी और मौत से झेल रहे हैं, डॉक्टर को कुछ पड़ी नहीं है, डॉक्टर वहाँ ना तो पीपी किट पहनते हैं ना तो वहाँ कोई व्यवस्था है, आईसीयू जो एसी में होना चाहिए उसको ऐसे ही नॉर्मल रूम में रखा है, जिससे पेशेंट मर रहे हैं और डॉक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनका केवल हॉस्पिटल के अंदर हंसी और मजाक चलते रहता है, वो कोई सीरियस नहीं है। बड़े डॉक्टर को बोलने के बाद बोले हम तो सब कर दिए हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं। डॉक्टर वहाँ पे आते रहे हैं, जो आप लोग गए हैं जो कि देखे हैं, बहन से मिलते थे, तो किस तरीके से वहाँ पे ये माहौल देखा, कि आप तो आंखों देखी बता रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि ट्रीटमेंट के नाम पर गलत तरीके से हो रहा है। यानी आप रेमडेसिविर की अगर बात करें, रेमडेसिविर का जो प्रोटोकॉल है, जो पता है सभी को कि एक बार अगर दे दे दूसरी बार देने की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे आपको सबको पूरे देश को मालूम है कि मुंबई में पेशेंट कम हो रहे अच्छी बात है, लेकिन जो पेशेंट मर रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है, बहुत सारे पेशेंट को बचाया जा सकता, उसका कारण ये है कि डॉक्टर जो है ध्यान नहीं दे रहे। जब एक बार रेमडेसिविर दे दिया गया, दोबारा रेमडेसिविर देने की जरूरत क्या पड़ी। जैसे टॉक्सिलिजम बोले हम दे रहे, लेकिन उसके बदली में दूसरा इंजेक्शन दे रहे, वो नहीं मिल रहा दूसरा दे रहे, लेकिन वो दूसरा इंजेक्शन भी दिया नहीं गया है, केवल ये लोग पेपर पे लिखते। बाकी मुझे ऐसा डाउट है कि ये लोग केवल पेपर पे महंगी दवाएं लिखते हैं और उसको बाहर बेचते होंगे। और कोरोना के बाद तब बात एक और खतरे की, जिसने देश के कई राज्यों में तबाही मचाई। हम बात ताऊते तूफान की कर रहे हैं। मुंबई के पास समंदर में डूबे जहाज से 188 लोगों को बचाया गया है, जबकि
60 शव बरामद किए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। इस बीच जहाज के इंजीनियर की शिकायत पर कप्तान राकेश बल्लभ समेत कुछ और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि जहाज के कप्तान ने मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज किया, लोगों की जान को खतरे में डाला, सुरक्षा के उपाय करने में कोताही बरती। पुलिस राकेश बल्लभ से पूछताछ कर रही की तलाश कर रही है, माफ कीजिए। राज्य सरकार के का कहना है कि कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तूफान तोकते के वजह से P-305 बार्ज पर जो व्यक्ति अटक गए थे, इसमें टोटल 49 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। अभी तक उपलब्ध माहिती के अनुसार इसमें पुलिस की तरफ से इंक्वेस्ट और अदर प्रोसीजर्स किया जा रहा है और इसमें कलम 304 सबसेक्शन 2 और कलम 338 IPC अंतर्गत FIR दाखिल किया गया है येलो गेट पुलिस स्टेशन में और इसकी आगे की तहकीकात पुलिस कर रही है। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख का कहना है कि लापरवाही के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कंपनी के मालिक अगर कर्मचारियों के परिवार वालों की मदद नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर इसके अंदर लोग जो आए हैं उनके रिश्तेदारों को बरोबर से ये मदद नहीं कर रहे तो गुनाह दाखिल किया है। आप देखिएगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक अधिकारी बता रहे हैं कि सारा पोस्टमार्टम हो गया है, सिर्फ 5 बॉडी बची है। अभी अगर उनके रिश्तेदार होंगे तो जितनी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है उनके रिश्तेदार होंगे तो शाम तक की सारी बॉडी हम हैंड ओवर करने के लिए सरकार तैयार है। तो 60 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, 188 लोगों को बचा भी लिया गया है। तोकते तूफान ने बहुत तबाही मचाई, लेकिन अगर थोड़ी सी और ज्यादा एहतियात बरती जाती तो शायद कुछ लोगों की और जान बच सकती थी। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।